सुमिता शेट्टी और राकेश बापट में जल्द ही होने वाला है ब्रेकअप। जी हाँ, मानते हैं कि उन दोनों ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि नहीं हो रहा है ब्रेकअप, फालतू की अफवाहें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच के विवाद अब खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तब बात चलती है कि विवाद आखिर है किस बात का। तो नॉर्मल सी बात है, शमिता शेट्टी रहती हैं मुंबई में, राकेश बापट रहते हैं पुणे में, यानी कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और शमिता अभी फ़िलहाल उस फेज़ में है कि वो राकेश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हैं, और जब इन दोनों को एक दूसरे से मुलाकात करनी होती है तो अच्छा खासा डिस्टेंस इन दोनों को करना पड़ता है पार, तब जाके ये मिल पाते हैं एक दूसरे से। तो शमिता का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि वो दोनों अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिता सके। तो वही शिल्पा ने भी यही कहा है कि राकेश को शिफ्ट हो जाना चाहिए मुंबई। लेकिन जब राकेश बापट का रिधि डोगरा, जो उनकी एक्स वाइफ है, उनके साथ डिवोर्स हुआ था, तभी उन्होंने परमानेंटली पुणे में शिफ्ट किया और अभी वो शायद मूड में नहीं है वापस मुंबई आने के। वैसे भी शमिता शेट्टी जब बिग बॉस के घर में थी तब भी उन्होंने कई दफा कहा था कि वो राकेश को लेकर अभी भी 100% श्योर नहीं है, यानी कि अभी भी उन्हें उनके साथ और अच्छे से वक्त बिताना है, उन्हें और जानने की जरूरत है। जब भी उनसे शादी या फिर किसी अन्य चीज के बारे में सवाल किया जाता है तब भी वो यही कहती हैं, वो एक दूसरे के साथ और वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि शमिता के लिए ये सब बहुत मैटर करता है और राकेश भी मैटर करते हैं। लेकिन दोनों के एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के चक्कर में इन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है, पुणे और मुंबई के बीच में। इसी वजह से शमिता और उनकी फैमिली चाहती है कि राकेश शिफ्ट कर जाए। अब देखना ये होगा कि सिर्फ इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में जो ठनी है वो ठीक होगी या फिर इनका रिश्ता वाकई में खत्म हो जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी अपडेट्स होगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।